नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैंड पार्टियों में बजने वाला सबसे ज़्यादा सुपर हिट भोजपुरी गीत। अगर आप भी बैंडों में कैसियो बजाने जाते हैं या नहीं भी जाते हैं तब भी आप इस गाने को सीख लीजिए, क्योंकि ये गाना आपको बहुत काम देने वाला है डांसों पर। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं इस गाने को अपने कैसियो कीबोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों गाना किस तरीके से प्ले होगा मैं एक बार इसको आपको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ, इसका मुखड़ा। फिर उसके बाद इसको स्लो में करके मुखड़े को सीखेंगे, फिर अंतरे को सीखेंगे। तो कैसे प्ले होगा, डी शार्प बटन से इसकी स्टार्टिंग होगी, यहाँ से इस वाली बटन से। तो कैसे प्ले होगा स्लो में करके सीखेंगे। सोलो में करके सीखेंगे एक फिंगर से कैसे प्ले होगा। कैसे प्ले हुआ है सोलो में करके सीखेंगे एक बार और। इसके बाद तो सुल में करके इसकी दूसरी लाइन को सीखेंगे कैसे बजेगी। सुल में करके एक बार और सीखेंगे कैसे प्ले हुआ है। पूरे को मिलाकर एक बार और सीखेंगे स्लो में कैसे प्ले हुआ था। तो दोस्तों ये था इसका अस्थाई पार्ट जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका अस्थाई अपने कैसियो के ऊपर बजाना आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वीडियो आप थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिए ध्यान से थोड़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तब इसके बढ़ते हैं अंतरे की तरफ। तो अंतरा इसका कैसे प्ले होगा, अंतरा भी डी शार्प बटन से स्टार्ट होगा इसका। तो कैसे प्ले होगा उसको भी प्ले करना सीख लेते हैं। सोलो में करके अंतरे को सीखेंगे कैसे प्ले होगा। और सोलो में करके एक बार सीखेंगे। दूसरी लाइन सेम इसी तरीके से बजेगी इसकी। अब इसके बाद वही फिर आ जाएगा जो हमने इसके अस्थाई में सीखा था, वही एकदम सेम तरीके से प्ले होगा। तो दोस्तों ये था इस गाने का पहला अंतरा जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपका इसका अंतरा बजाना समझ में आया होगा। अब इसका जो दूसरा अंतरा है सेम इसी तरीके से बजेगा इन्हीं बटनों के ऊपर। तो दोस्तों ये गाना अपने कैसियो के ऊपर इसका कैसे बजाया जाएगा इसका मुखड़ा और अंतरा उसको आइए प्ले करके मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको इसको बजाने में कोई दिक्कत ना हो। तो कैसे प्ले होगा, अब इसका अंतरा कैसे प्ले होगा।
अब इसका जो सेकंड नवाला अंतर है वो भी सेम इसी तरीके से प्ले होगा, उसको भी मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों गाना होता है यहीं पर हमारा पूरा समाप्त। तो उम्मीद है कि वीडियो के माध्यम से आपको इस गाने को अपने कैसियो हारमोनियम कीबोर्ड के ऊपर काफ़ी आसानी के साथ समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ही दिख रही घंटी को भी बजा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास बिल्कुल मुफ्त। तो मिलेंगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस गाने को अच्छी तरीके से तैयार कीजिए और बजाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।